Hello friends, I am Aarti and I am back with another video. You can name this video as Grow Your Own Greens. As the name suggests, मैं यहाँ पे आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप अपने घर में अपनी जगह नहीं होते हुए भी आप अपनी बालकनी में ही कैसे अपने लिए एटलीस्ट कुछ काम की तो सब्जियाँ उगाई सकते हैं. लाइक ये मेथी है और ये धनिया. धनिया की अभी आप रिसेंटली देख रहे होगे प्राइस 200 रुपये किलो तक धनिया पहुंच गई थी. तो ये तो इतनी इजी ग्रोइंग सब्जियां हैं कि इनको हम पॉट में भी और ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पेस्टिसाइड और जो केमिकल से भरी हुई सब्जियां होती हैं उनको कुछ हद तक अपने इनटेक में कम करें और उनको अपने ही गार्डन में या अपने बालकनीज में ग्रो करने की कोशिश करें. धीरे धीरे आप अगर कोशिश करो तो आप अपना खुद का ये किचन गार्डन बना सकते हो. डजेंट मैटर आप बड़े घर में रहते हो या बालकनी में. अगर चाह है तो राह है, आप छोटे से कंटेनर से शुरू कर सकते हो. तो आज मैं ये मेथी और धनिया उगाने जा रही हूँ जिसका मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप इसको अपने घर में ईजिली ग्रो कर सकते हो. एंड बिलीव मी गाई, दीज आर द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन ग्रो. बहुत ईजी है इनको ग्रो करना. तो चलिए मैं शुरू करती हूँ प्रोसेस इनको कैसे ग्रो करना है. मेथी दाना आप हमेशा यूज़ करते होगे, ये तो आपको किचन में भी आपके मिल जाएगा. तो इसको बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको थोड़ी देर पहले सोक कर दीजिए. आप इसको सोक कर देंगे तो ये जल्दी इसको जर्मिनेट होने में बहुत आसानी होगी. ओके फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे आप देख रहे होगे ये मेथी दाना यहाँ पे बोल में ले लिया है और इसको आप थोड़ी देर आप ओवरनाइट सोक करो तो सही है, नहीं तो एटलीस्ट 2 घंटे तो आप इसको सोक करके रख दो पानी में. तो इससे ये क्या होगा, इनका जर्मिनेशन प्रोसेस बहुत ईजिली स्टार्ट हो जाएगा. आप इनको बस सोक करके नॉर्मल वाटर में सोक कर दीजिए और इसको रख दीजिए. धनिया थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस है. धनिया के लिए क्या है, आप जैसे ये सीड्स देख रहे हैं आप इनको क्या करो, बीज से ऐसे तोड़ दो, बस हल्का सा दबा दो जिससे कि ये दो, आप देखो इनको ऐसे आप तोड़ करके दो भागों में कर दीजिए. ये आप अगर ऐसे दो भागों में हो जाएंगे ये इसका प्रोसेस है. आप अगर हल्का सा इनको तोड़ करके कर देंगे तो ये इजिली जर्मिनेट होंगे. तो आप धनिया को भी ऐसे हाथ से बस ऐसे लेके ऐसे मसल दीजिए आप और ये इजिली दो भागों में टूट जाते हैं. आप देख पा रहे होंगे ये देखिए फ्रेंड्स, धनिया आप हाथ में ले करके इसको बस आपको ऐसे मसलना है. मसलने से ही ये टूट जाएगा और इसको आप थोड़ी देर ऐसे हार्डली प्रेस करेंगे और ये स्प्लिट हो करके दो भागों में हो जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको. फिर आप इनको सोक कर दीजिए पानी में. तो ये है प्रोसेस फ्रेंड्स. मैं आपके साथ और एक बात शेयर करना चाहती हूँ. जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया है कि मैं हिबिस्कस के जो देसी हिबिस्कस है उसका प्लांट लेके आई थी. तो मैं क्या कर रही हूँ, आई कीप ऑन कलेक्टिंग द फ्लावर्स. ये दीज आर सम ड्राइड फ्लावर्स और सेमी ड्राइड भी हैं और ये हैं दीज आर सम फ्रेश फ्लावर्स. मैं इनका क्या यूज़ करूँगी, मैं इनसे इनका जो बेसिक पर्पज़ है मेरा लेने का ये है, मैं इससे मेहंदी बनाऊँगी, मेहंदी का पेस्ट उसमें ये यूज़ करूँगी और मैं इसका तेल बनाऊँगी, प्योर होममेड तेल जिसका मैं पूरा प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करूंगी. तो फिलहाल आज तो मैं इसका मेहंदी का पेस्ट बनाने जा रही हूँ, उसका मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगी. तो फ्रेंड्स, नेचर में कुछ भी बेकार नहीं होता है. आप प्लीज़ इन फ्लावर्स को वेस्ट समझ के फेंकें नहीं. अगर आपके पास पूजा के भी फूल आते हैं तो आप उनको कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं. हिबिस्कस के फ्लावर हैं, इनके तो मैं आपको ढेरों यूज़ बताऊंगी. हिबिस्कस ट्री, हिबिस्कस का जो टी होता है वो बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है. तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट. अभी तो मैंने जैसे कि मेथी और धनिया दोनों सोक होने के लिए रख दिया है, तो मैं उसको अब कैसे ज़मीन में लगाएंगे उसका प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी. तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून. इट्स रेनिंग आउटसाइड. चारों ओर कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ हरा भरा. थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसलिए यहाँ पे वायर्स लटके हुए हैं. बट सी, सेंट्रल पार्क, ग्रीनरी और पूल, सब कितना अच्छा लग रहा है.
ओके फ्रेंड्स, इन कंटिन्यूएशन विद अवर टॉपिक, बारिश तो हो ही रही है बाहर, मौसम भी अच्छा है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि एक लंबा सा मेरा ट्रे है, ग्रोइंग पॉट है, इसमें मैंने नीचे सॉइल रखी हुई है, अच्छा ड्रेनेज रखा हुआ है, और उसके ऊपर ये आप देख रहे हो ये मेरा किचन वेस्ट है। किचन वेस्ट के बाद मैंने कटिंग के बाद और जो बाकी ड्राई लीव्स होती हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, आप उनको ऐसे इसमें मिट्टी में डाल सकते हैं, ये कंपोस्ट बन जाएगा और ये सेल्फ कंपोस्टिंग सिस्टम रहेगा। आपको अपने पौधे में बहुत थोड़े टाइम बाद ये खुद से कंपोस्ट बन जाएगा, आपको अपने पौधे में बार बार कंपोस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, तो खुद से डिकम्पोस्ट होता रहेगा, आपके प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। इसके बाद मैं टॉप लेयर डालूंगी अपनी जो ग्रोइंग सॉइल है उसकी, ये सॉइल मैंने अपने घर में ही बनाई है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये बहुत रिच है। टॉप लेयर सॉइल मैं इसमें डाल रही हूँ, मेरे घर के ही किचन वेस्ट से बने हुए कंपोस्ट है और बाकी सब कुछ है। फ्रेंड्स, गार्डनिंग करनी है तो एक बात है, आपको हाथ अपने थोड़े गंदे करने ही पड़ेंगे, ऐसा ग्लव्स पहन के गार्डनिंग करना मुझे नहीं अच्छा लगता, तो आप इसको प्रॉपर ऐसे एक लेयर ये आपकी बन जाएगी, ऐसे बना लीजिए। फिर इसके बाद आप कुछ इसमें देखिए जो अभी प्रॉपरली कंपोस्ट नहीं हुए हैं वो कंपोनेंट भी हैं, बट कोई बात नहीं, ये खुद से धीरे धीरे कंपोस्ट हो जाएंगे। अब क्या करते हैं हम, ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 2 घंटे पहले मेथी की सीड्स भिगो के रखे थे ये बिल्कुल डबल हो गया है साइज में, तो अब इनको रैंडमली मैं बस ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ। अच्छे से आप चारों ओर स्प्रेड कर दीजिए। स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर एक हम टॉप लेयर सॉइल, बहुत पतली सी सॉइल की लेयर डालेंगे, जो कि अगेन मेरी गार्डन की बनाई हुई सॉइल है, ये देखिए इसको बस आप इसको ऊपर अच्छे से कवर अप कर दीजिए। और इसको अच्छे से कवर अप करने के बाद आप स्प्रेयर से या फिर बहुत हल्के से पानी दीजिए, जिससे कि बीज डिस्टर्ब ना हो, और पानी देने के बाद फिर आप वेट करिए जब तक कि मिट्टी पूरी ड्राई ना हो जाए, ड्राई होने के पहले आप एक बार फिर से उसको हल्की सी वाटरिंग कर दीजिए। वैसे तो ये सोक्ड हो चुके हैं सीड, तो ये 4-5 दिन में जर्मिनेट हो जाने चाहिए, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो। ओके फ्रेंड्स, मेथी हमने लगा ली है, ये मेरा एक और पॉट है, ये राउंड पॉट है, पुराना हो गया था, इसमें थोड़े क्रैक भी आ गए हैं, तो मैं अब इसको एज अ ग्रोअर यूज़ कर रही हूँ, इसमें कोई शो प्लांट नहीं लगा रही हूँ मैं अब ये, लेकिन काफ़ी बड़ा है जिसमें कि हम धनिया वगैरह आसानी से लगा सकते हैं, तो मैं देखिए ये सोख धनिया थी कितनी ये फूल चुकी है, आपको दिख रहा होगा, तो अब मैं ये धनिया यहाँ पे लगा दे रही हूँ। इसमें मैंने सॉइल को पहले से ही गीला कर रखा है, बस हम इसके ऊपर एक टॉप लेयर लगाएंगे और होपफुली ये भी जल्दी ही जर्मिनेट हो जाना चाहिए। सीड मेरे थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो ये मैं इसको किसी और भी प्लांट में किसी और पॉट में यूज़ कर लूँगी, आई थिंक ये काफ़ी, आप इसको डेंस भी लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो मेथी और धनिया डेंस ही उगते हैं सही, वो उससे उनकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बस अब इसके ऊपर टॉप लेयर लगा के मुझे इसमें मैं वाटरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी वाटरिंग कर रखी हुई है। बस आपको इसको कवर कर देना है, बहुत हल्की लेयर हो, अगर ज़्यादा डीप में सीड चले जाते हैं तो उनको फिर ऊपर आने में टाइम लगता है, जितनी आपकी हल्की लेयर हो बस इट शुड बी सफिशियंट इनफ टू कवर दिस, इतना ना हो कि वो बिल्कुल उसमें बरी हो जाए।
आप देख सकते हो कि मेरी गार्डन सॉइल कितनी हल्की और भुरभुरी है इसमें, और ये जो पॉट है इसमें भी ऑलरेडी मेरे किचन वेस्ट नीचे है, जिसको कि मैंने लेयर्स में किचन वेस्ट एंड कोकोपीट और फिर मिट्टी की लेयर्स में इसको रखा हुआ है। ये सेल्फ कंपोस्टिंग है, खुद से ये कंपोस्ट होता रहेगा, और बाद में जब मेरी ये धनिया बनके होगी और कुछ और मुझे नया लगाना होगा तो बाय दैट टाइम मेरा इसमें ऑलरेडी कंपोस्ट पहले से ही बन चुका होगा। तो ये मुझे पूरा एक कंटेनर फुल कंपोस्ट मिल जाएगा मुझे। मैं कभी बाहर से कंपोस्ट नहीं खरीदती हूँ, घर पर ही अपने किचन वेस्ट से बनाती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स दैट्स इट, अब इसकी क्या ग्रोथ रहती है मैं उसका फिर आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड स्पेयरिंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।